छोटी काशी के नाम से जाने वाला बागेश्वर धाम, जहां वर्षों से सावन के पवित्र महीने में बड़ी धूमधाम से मेला लगता है। लाखों की संख्या में लोग कांवड़ लेकर गंगा जल चढ़ाने के लिए यहां आते हैं, लेकिन कोरोना गाइडलाइन के चलते पिछले वर्ष भी मेला उत्सव नहीं हुआ था और इस वर्ष भी शिवरात्रि पर मेला नहीं लगने वाला। यहाँ केवल सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए श्रद्धालुओं को जल चढ़ाने की अनुमति दी है। बागेश्वर धाम के पुजारी महंत रोशन पुजारी महाराज ने बताया कि कोरोना के चलते शिवरात्रि पर अब की बार भी मेला नहीं लग रहा है। बागेश्वर धाम का हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र सहित अन्य प्रदेशों के लाखों संख्या में श्रद्धालु सावन के पवित्र महीने में मत्था टेकने और अपनी मन्नत मांगने के लिए आते हैं। बहुत सारे श्रद्धालु गोमुख, हरिद्वार आदि से जंघों से गंगा जल भरकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। लोगों की ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर भगवान राम ने पूर्वजों ने भी शिवलिंग की पूजा की थी। सावन पर भगवान में अब की बार सावन में भैया कोरोना की वजह से भीड़ भाड़ का और वो बंद था, भीड़ से भी आ गया कम आ गया। भगत आते हैं हरियाणा, पंजाब, राजस्थान सब स्टेशन जाते भगत आते हैं। हाँ जी बिल्कुल, भोलेनाथ यहाँ जो भी सच्चे मन से श्रद्धा लेके आता है, भाव से आता है, उसकी भोलेनाथ मनोकामना पूरी करते हैं। यहाँ बहुत ही ज्यादा हजारों की संख्या में हर बार सावन और फागुन के अंदर भारी मेला लगता है, उसमें हरिद्वार से गौमुख से पैदल गंगा जल लेके आते हैं और लोग यहाँ भोलेनाथ को अर्पित करते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है। इसकी स्थापना तो जी काफी हजारों साल पहले हुई थी और इसकी मान्यता बहुत दूरों तक है जी, हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, और यहाँ बहुत ही गहरी आस्था है लोगों की। गौमुख से, हरिद्वार से, ऋषिकेश से कावड़ लेके आते हैं। अब की बार पहली बार इतिहास में कोरोना महामारी की वजह से ये मेला बिल्कुल डाउन है। महेंद्रगढ़ से सुशील शर्मा की रिपोर्ट।